सपनम ये त्रिवेणी सारी अनुकूल मैं तो सुनाऊंगा कि जो मैं सोच रहा हूँ और मेरे को मतलब झेलना पड़ेगा। एक बात आखिर में 23 मार्च 1931 को जो होया तो मुकर्रर फांसी की तारीख थी 24 और शाम में जब फांसी तोड़े सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु ये सुखदेव भगत सिंह राजगुरु सतलुज के किनारे जला दिए जो उनके साथी बाहर थे वो नदियों के मां जला दिए। लकड़ी की जगह पर खोला था मिट्टी के तेल में खोला था जो अगर तकर भी बोला था वो मित्र प्यारे जला दिए। और सतलुज पर जब उनको बहाया गया तेल गेर का फूक का अंतिम सफर कैसा था उनका तो सब फूल पाते झड़ रहे पेट भी आंसू गेरे थे कवि की कल्पना है पृथ्वी सिंह पेड़ रखी सब फूल पाते झड़ रहे झड़ झड़ की चढ़ में पड़ रहे हम झाड़ बोझड़े खड़े रहे वे बादाम छुहारे जला दिए। और केल की पार्टी जब जेल में शाम 7:33 पर फांसी तोड़ी भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फांसी के तख्ते की ओर गए जब आम में कैदिया ने नारे लाए और यह हुकार बार ताई गई तो बार जो जमावड़ा था अगले दिन अपने पुत्रों की अपने लाडला की डेड बॉडी ले ताई वो सब शहर के अमर कौर बोली अपनी माता की फांसी के मन के मोह लिया सर। और इतनी देर में एक गाड़ी गई लाहौर सेंट्रल जेल के पीछे से और वो गाड़ी जाकर सब उसके पाछे बचाके हैं और क्या सीन होता है। और यह खबर 25 मार्च को अखबार में आती है और एक अखबार वाला तड़के तड़क गुस्सा इतना कि एक आंख में तासू नहीं लग रहा और छाती इतनी पाटन हो रही कि एक आंख में तड़का लाग रहा दाउंद में फंस रहा और तड़के लाहौर की सड़क पे रो रो के अखबार बांटे है वो अखबार वाला क्या कहता है सुनिए एक बात क्या तो लाहौर की गलियां में वो अखबार वाला अखबार बांटा अखबार पे कई तक आठ मतलब नौकर देख लो पढ़ लो रे वे मार दिए और वे नून रे रे माटी करके मारे अपने वे सूरवीर वे त्रिवेणी वे क्या कहता वो अखबार वाला सुनिए इस बात के द्वारा लगी जरा सी मारी लुटी अट्ठा
गर्म लोथड़े रखूं की मिट्टी
शान लगे थे मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी दिल्ली के स्टेशन पर थे, जब खबर पड़ी तो गांधी भी रोया, नेहरू भी बेहोश हो गया और पढ़ते पढ़ते बचे। और फिर गांधी ने उनकी शाबाशी के कसीदे पढ़े। अगर बहुत वीर थे, आज के युवाओं को उनसे सीख लेनी चाहिए। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान ने क्या था, और चुगते इन युवाओं की शहादत में जलूस जल से हड़ताल, और गंगा से भगत सिंह के गांव से खून से लिखी चिट्ठी आई, और खून का बदला खून होगा। फिर धरती अंबर बोलिया डोलिया, धरती अंबर बोलिया गुजिया, इंकलाब आकाश में कलकत्ता कराची बंगा और दिल्ली जंग मद्रास में रावल पिंडी बोली नारंग दीवाना की दास में रावल पिंडी समर्पित
हम सब पढ़ने तरह है सजा के बनेंगे राज का गुरु कहां छिपा है ढूंढेंगे और चाल गिनेंगे सुख देवन कोई देव ना होवे अपने मोर्चे आप करेंगे राजेश दलाल तू गाइस दार कि हल्ला भूल जा जोर से ओए सुनो गुरु ए पदनो बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजेश के नाम से एक बार जोरदार